फर्स्टली मैं माशाल्लाह थैंक्स भाई कहना साहब चाहती आपको। हूँ, आप लोग सब आए हो यहाँ पे, आप लोगों ने मौका दे रहे हो हम लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए। सिर्फ एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा बात बोलूँगी, उसके बाद आई पास दिस ऑन टू दिलीप सर, कि ये जो भी मैटर है, ये जो भी देखने वाले हैं आज, जो भी प्रेस मीट होने वाला है, जो भी हाँ मैटर बेशक है, ये मेरे और दिलीप सर के बीच का बात है। इसलिए हम अरे दोनों सर नहीं मैं चाहते अपना कि किसी भी बोलते अदर हैं पर्सन बोलते का हैं इस हाँ ठीक है केस, इस मैटर में बताइए नाम सर। इन्वॉल्व हो, या फिर उनकी बदनामी हो, या फिर किसी तरह का उनका करियर डैमेज हो, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा वो मेरे या तो दिलीप सर के साथ होगा, या हमारा मैटर। ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी इसको देखने वाले इस प्रेस मीट को। थैंक यू सो मच। नाउ दिलीप सर को जो भी कुछ कहना है, मैं आई पास दिस ऑन टू आप बोलो। ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଏଲିସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ମୋ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ମେଜର ଚରିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମୋର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ସେ ଏମିତି କହିକି କିଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଉ ଆମର। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଫିଲ୍ମର ପବ୍ଲିସିଟି ହେଉଛି, ବଟ୍ ସେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ମୋତେ କୋପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 42 ଡେଜ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 25 ଡେଜ୍ କହିକି ଯେଉଁ 42 ଡେଜ୍ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ବି ସେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆସିକି ତାଙ୍କ ବିଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପିକ୍ଚର୍ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମୋର ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ମେଜର ମୋର ଏମିତି କିଛି ତା ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି ତା ପ୍ରତି। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯିଏ ଭଲ କରିଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଗିଥିଲେ କ'ଣ ରାଗିଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମାଫ୍ କରିଦେଇଛି, ସେବେଠୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋ ଫିଲ୍ମର କଳାକାର, ଯାହା ଦରକାର ମୋ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ଟରେ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ସେଇଟା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ମନୋଭାବ ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପ୍ୟାଚଅପ୍ କଲେ ଆପଣ? କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କିଛି କରିନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି ସେମିତି ବୋଧେ କ'ଣ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ୟାଚଅପ୍ ନାଇଁ। ଅଭି ସାର୍ ଆପକା ଓକେ ଓକେ ହୋଗ୍ୟା। କାଲି ଜିରୋ ଥିଲେ ଆଜି କେମିତି ଦିଲୀପ ସାର୍ ହେଇଗଲେ पहले मैं ऐसा जो भी पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ, जो भी क्लैरिफाई करना है मुझे, प्लीज़ लेट मी क्लैरिफाई दोज पॉइंट्स, ठीक है? तो फर्स्टली उन्होंने बोल दिया उनको जो भी बोलना था दिलीप सर को। तो फर्स्ट मेरा ये जो भी पॉइंट है, मैं मुझे बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, ये सब कि बॉयकॉट, बैन, आउट ऑफ स्टेट की किसी आर्टिस्ट को यहाँ पे काम करना नहीं देना चाहिए, या फिर आउट ऑफ स्टेट से आके उड़ीसा इंडस्ट्री को बदनाम करे। तो एक्चुअली ये सब सुन के मुझे भी हंसी आ रहा है। फर्स्टली ये जो जो भी लोग ये सब बोल रहे हैं, एक्चुअली आई थिंक कि वो आर्टिस्ट को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। आप एक आर्टिस्ट को बांध के नहीं रख सकते हो। एक आर्टिस्ट का ये नहीं कि हाँ ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट इस रीजन में काम करेगा, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकता, वहाँ पे नहीं कर सकता, हाँ ठीक है वहाँ पे काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये मत सोचिए कि मैं बाहर से आई हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेट की हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। क्योंकि मेरा जो करियर का फर्स्ट फिल्म था एज अ हीरोइन, वो एक उड़िया फिल्म ही था, ये उड़ीसा इंडस्ट्री ने मुझे ब्रेक दिया था। तो ये ही मेरा प्लेटफॉर्म है, ये उड़ीसा इंडस्ट्री जितना आप लोगों का है उतना मेरा भी है, और ये हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मैं प्राउडली बोलती हूँ कि मेरा इंडस्ट्री है। यहाँ के एवरी टेक्नीशियंस, आप लोग, एवरी एक्टर्स, एवरी डायरेक्टर्स, सब इतने टैलेंटेड है, सब इतने कोऑपरेटिव, इतने लवेबल एंड हम्बल है। तो प्लीज प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। लेट मी स्पीक, नो प्लीज लेट मी स्पीक, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। आप बीच में मेरी बात को काट के बोलेंगे तो नहीं होगा ना? हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, लेट मी क्लैरिफाई दिस। ओके लेट मी क्लैरिफाई, मैं आप लोगों मुझे बोलने नहीं दोगे तो फिर मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगी, फिर ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मैं हर सवाल का मैं जवाब दूंगी, रुकिए आप। तो मैंने एक पॉइंट मैंने पकड़ा है, उस पॉइंट को मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो हाँ, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं आउट ऑफ स्टेट से आई हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करने नहीं दिया जाएगा, जो भी है। और ये जो बॉयकॉट और बैन, ये देखिए हम सभी सेंसिबल पर्सन है, और ये सब बातें जो हम बोल रहे हैं ये शोभा नहीं देता है हम सबको। क्योंकि कोलकाता में मेरे बहुत सारे उड़िया फ्रेंड्स हैं, वो भी टेंशन में आ रहे हैं कि अगर आउट ऑफ स्टेट से होने का, अगर ऐसा उड़ीसा में मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होने वाला है, बॉयकॉट बैन, तो उनके साथ वहाँ पे क्या होगा। ऑब्वियसली वहाँ पे भी उनको टेंशन हो रहा है। तो मैंने कहा कि रिलैक्स, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है ये, ठीक है? तो ऐसा भी कुछ नहीं हो। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस है और सजेशन है, जो भी लोग ये सब बोल रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेट के आर्टिस्ट को यहाँ पे काम नहीं मिलना चाहिए, या फिर ये जो स्टेट वाइज जो डिवीजन हो रहा है, मेरा यही पीस ऑफ एडवाइस है उनको, एक छोटा सा सजेशन कि
ऐसे ऐसे बातें आप प्लीज मत बोला करें, नहीं तो एक अदर बिग प्रॉब्लम, एक इशू बन जाएगा स्टेट का, बंगाल वर्सेस उड़िया उड़ीसा, जो हम नहीं चाहते, जो हम कोई भी नहीं चाहते कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। नाउ आई कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे, मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में आ रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे, मैं अपने नेक्स्ट, मैंने अपना पॉइंट क्लैरिफाई कर दिया, अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में आ रही हूँ। जो भी उस दिन ऑडियो रिलीज पे हुआ था, बहुत सारे मैं प्रिंटेड मीडियाज में देख रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में, कि हैशटैग मी टू या फिर कास्टिंग काउच। तो उस दिन ऑडियो रिलीज में जो हुआ था पर्टिकुलर, वो हीट ऑफ द मोमेंट में मुझे लगा कि उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, इसलिए मैंने उनके एक्शन का, मेरा वैसा रिएक्शन निकला था। मैं, क्योंकि मैं, मुझे लगा वो कुछ गलत कर रहे, मैं बोलना चाह रही थी कुछ माइक पे, वो मेरे हाथ से माइक छीनने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था, धक्कम धुक्की हो रही थी। तो आई जनरली, मुझे ऑब्वियसली लगा कि वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे, तो इसलिए आई प्रोटेस्टेड, आई रेज माई वॉइस, मैं चुप नहीं बैठी। तो लिसन टू मी, ये ऐसे आप बोलने दीजिए, मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं एक एक पॉइंट आप बोल रही हूँ, प्लीज आप एक एक पॉइंट सुनिए, मेरे एक एक पॉइंट को सुनिए। तो ये जो दिलीप सर ने किया था, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, सुना, शांत दिमाग से प्लीज सुनिए। अरे मैं तो क्लियर कट ही बोल रही हूँ, कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा, बीच में आके पॉइंट कट है, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, आप लोग मुझे पॉइंट कट कर रहे हो, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज। उसके बाद तो क्वेश्चन आप पूछेंगे ना, हाँ, तो क्या आप चुप रह सकते, क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं, क्या इजाजत है, प्लीज विद ड्यू परमिशन प्लीज। तो ऑडियो रिलीज के दिन जो भी हुआ था वो एब्सोल्युटली करेक्ट था, उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, मैंने वो ब्लास्ट किया, अगर वो ब्लास्ट करने से किसी को तकलीफ या हर्ट हुआ देन आई एम सॉरी, बट वो ब्लास्ट एब्सोल्युटली करेक्ट था, वो उनके एक्शन का मेरा रिएक्शन था, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो हैशटैग मी टू या फिर कास्टिंग काउच है, मी टू और कास्टिंग काउच टोटली डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट टॉपिक है। जो मैंने कहा था मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट शूटिंग में जो उन्होंने मेरे साथ किया था, मैं अभी उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने मेरे ऊपर मेंटल टॉर्चर हुआ था, उन्होंने, मैं आई वॉज गोइंग थ्रू मेंटल हैरेसमेंट, शुरुआत से मैं बोल रही हूँ, प्लीज सुनिए, आप बीच में मेरे बात को मत काटिएगा। वो जो दूसरा प्रोजेक्ट में कर रही हूँ उनके साथ बात करके मैंने थोड़ा परमिशन मांगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा डेट्स मुझे दे दीजिए। ऐसे करते करते दिलीप सर वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, वो अपना कमिटमेंट फेल कर रहे थे डेट वाइज, और उस साइड से, उस प्रोजेक्ट से मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा था कि तुम, मुझ पे ब्लेम आ रहा था कि मैं अनप्रोफेशनलिज्म बिहेव कर रही हूँ, मैं अपना कमिटमेंट फेल कर रही हूँ वो प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो एक मेंटल टॉर्चर नहीं है मेरे लिए, कि मुझे लग रहा है मुझे बोलने दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट, हमने उसे, लिसन, मैं वही बोल रही हूँ एग्जैक्टली, मैं कोई बात नहीं घुमा रही हूँ, एग्जैक्टली, प्लीज बात घुमाना, जो भी तो आप डिसाइड करके आए, तो मैं बात घुमा रही हूँ, आप सुनिए मेरी बात को। तो जो भी था, तो मेरा कंडीशन ऐसा हो गया था कि मैं ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, और वो प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ से चला जाएगा, तो फिर क्या होगा। मैं बार बार दिलीप सर को, सब मैं बार बार आके उनसे बोली थी कि सर प्लीज, आपको पता है मुझे दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है, आप प्लीज प्लीज मुझे, आप जल्दी मेरा शूटिंग कंप्लीट करके आप मुझे छोड़ दीजिए, सब कुछ उनको पता, मैं अपना हर प्रॉब्लम के साथ शेयर कर ली थी, बट आई वॉज हेल्पलेस, ही वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ही वॉज नॉट टेकिंग एनी स्टेप। तो दैट वॉज माई मेंटल टॉर्चर, दैट वॉज माई टेंशन, कि ये मैं उनके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे सुबह से बुलाया जाता था, मेकअप लेके मैं बैठती थी, रात को मुझे घर होटल पे वापस भेज दिया जाता था, मैं बोलती थी कि प्लीज मेरा डेट्स अवेलेबल नहीं है, मेरा लिमिटेड डेट्स है, मुझे वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में जाना है। ऐसा भी हो सकता था कि वो मुझे उस फिल्म से निकाल दे बिकॉज ऑफ दिस, वो कमिटमेंट अपना फील कर रहे थे। तो इसीलिए यही था मेरा मेंटल टॉर्चर, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था, वो क्यों कम नेक्स्ट था, जो अब जो भी हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग था ये सब प्रॉब्लम को लेके। तो अभी मैंने कल कुछ इंटरव्यू में देखा था, दिलीप सर ने कहा था कि
उनको मेरा काम पसंद आया, चलो अल्टीमेटली फाइनली मुझे जाने को मिला, क्योंकि वो तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। तो कुछ कुछ बातें मुझे ये भी सुनाई दे रहा था कि मैं मिसबिहेव करती थी अपने डायरेक्टर के साथ, मैंने मिसबिहेव किया है, मैंने बैड बिहेवियर दिखाया है। तो फॉर एग्जांपल, मैं जब हमारे फिल्म का शुरुआत हुआ था नागोमुनि गाने का मेकिंग, आप कुछ मीडिया पीपल आप आए थे उस वक्त पे, आप लोगों के पास वो वाइट बाइट भी होगा, है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, बाइट है, वहाँ का बाइट मेरा देखिए। आई वॉज सो हैप्पी एंड ग्लैड टू वर्क विथ दिलीप सर। मैंने खुद दिलीप सर का बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था अपने शूटिंग सेट पे। तो उस टाइम तक हमारा रिलेशन अच्छा था, बट आफ्टर द कॉलेज इंसिडेंट, जो कॉलेज में आके वो अचानक हम पे भड़क गए, ब्लास्ट हो गए वो हम पे, हमें गालियाँ बकी, हमें थ्रेट्स, आई डोंट नो वो क्या प्रॉब्लम से या क्या किस फेस से जूझ रहे थे, वो क्यों अचानक आए, क्यों अचानक मेरे और मेरे पापा पे भड़क गए, वैसे क्या प्रॉब्लम था, अगर वो बैठ के रिजॉल्व करते हमारे साथ, अगर बैठ के अपनी प्रॉब्लम, उन्होंने उस दिन से मुझसे बात करना बंद कर दिया था, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे सेट पे डायरेक्टर है, क्योंकि वो कभी मुझसे बात तक नहीं करते थे, चाहे वो शूटिंग सेट हो कि फोटोशूट, वो नहीं होता अगर वो बैठ के हमारे साथ बात करते, ना ही वो गाली बकते या फिर थ्रेट देते, जो भी उन्होंने किया था सच एंड सच प्रॉब्लम, अगर वो बैठ के रिजॉल्व करते तो ये मामला पूरा शांत हो जाता। फाइनली मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज मैंने कल देख रही थी जो उन्होंने प्रेस मीट करके बोला था। फाइनली एंड अल्टीमेटली मुझे ये जानने को मिला जब उन्होंने मेरे बारे में बात किया, मेरे काम को लेके बात किया, दैट आई एम अ गुड एक्टर एंड ही इज हैप्पी विथ माई एक्टिंग। एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट का यही रिलेशन होता है, फॉर टीचर एंड अ स्टूडेंट, गुरु शिष्य का। मैं उनसे यही एक्सपेक्ट, मैं उनसे यही सुनना चाहती थी, बट वो ना तो मुझसे कम्युनिकेट करते थे, उल्टा उनका उनका कॉलेज के बाद से उनका पूरा वही चेंज हो गया, वो उनका बिहेवियर ही चेंज हो गया मेरे तरफ, वो उन्होंने गालियाँ बकी, आई डोंट नो वो किस फेस से गुजर रहे थे या फिर वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, उनको क्या प्रॉब्लम, कौन से टाइम से आप प्रोड्यूसर से पूछे मैं क्यों लेट आई हूँ, मैं तो रेडी थी, हाँ मैं तो रेडी थी आने के लिए, आप उनसे पूछे कि मैं क्यों लेट आई हूँ, आप अजीब कर रहे हो, हाँ मैंने मीडिया को यूज नहीं किया, मेरे डायरेक्टर ने, सुनो लिसन लिसन, क्या किया है वो जनता बताएगी, डायरेक्टर नहीं बताएगा। हाँ ठीक, क्या 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 क्या, डायरेक्टर आपको डायरेक्शन देगा, जनता एक्सेप्ट करेगी। काम खत्म करने के बाद सबसे पहले डायरेक्टर अपने टीचर की तरफ देखता है कि मेरा काम क्या, वो फर्स्ट एग्जाम है, वो फर्स्ट एग्जाम है, उसके बाद ऑडियंस आते हैं। मीडिया के सामने ऑलरेडी वो बात कर रहे थे, तो जब वो मीडिया के सामने बात उठाए, हाँ तो मैं, आप मुझे एक्सप्लेन करने दोगे कि मैंने क्यों जीरो कहा था, आप मुझे बताने दोगे मैंने क्यों जीरो बोला, हाँ ऑब्वियसली, आप पास कर फिर एक सेकंड, तो फिर आप लोग एक टीचर और जीरो जो भी है, आप टीचर और जीरो, आई एम टारगेटिंग मीडिया, मुझे बोलने दिया जाएगा क्या, एक हीरोइन को एक ये बात बोला, नहीं लिसन टू मी, एक बात बोला जाता है कि आउट ऑफ स्टेट की हीरोइन को यहाँ पे काम नहीं मिलना चाहिए, बोला है आपके मीडिया में, आप देख लो बोला गया है, ये आपके फुटेज में चेक कर लो, ये बोला गया है कि आउट ऑफ स्टेट की हीरोइन को यहाँ पे काम नहीं मिलना चाहिए। अरे आप मीडिया में ढूंढ लो ना, जो भी इन्होंने अपने डायरेक्टर एसोसिएशन का किया, क्यों ना मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप वो लोग सपोर्ट कर सकते हो और आप जीरो के टॉपिक को लेके, तो फिर अकॉर्डिंग टू योर कास्टिंग काउच मी टू, कास्टिंग काउच मी टू बैन करना, ये सब ओके है आपके लिए, तो फिर अकॉर्डिंग टू ये फिर ओके है, तो फिर एक सेकंड आपके लिए ये सब ओके है, जो भी बैन कर रहे हैं साइलेंट साइलेंट साइलेंट, वो मुझे कुछ थोड़ा आगे सॉरी, जो गलती हो मैं सॉरी नहीं मांगने वाला। बैठा बैठा चुप बोलो, बैठा चुप बोलो, बैठा चुप बोलो।